किस राइटर डांसर म्यूजिशियन या आर्किटेक्ट के बारे में लिखा गया है ओके फर्स्ट सी इज लैटिन अमेरिकन राइटर वॉज वर्कर इन मैजिकल अमेरिकन राइटर है जिसके काम को जिसके वर्क को एक टेक्निक का नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड मैजिकल रियलिज्म मैजिकल रियलिज्म के अंदर द यूज ऑफ फैंटेसी एंड मिथ इन रियलिस्टिक फिक्शन मैजिकल रियलिज्म के अंदर इन्होंने फैंटेसी कल्पना और मिथ यानी मिथक इनको यूज करके जो फिक्शन लिखा है जो उपन्यास लिखा है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है मेनी ऑफ हर स्टोरीज आर बिल्ट ऑन हर एक्सपीरियंसिस एंड डील विद द रोल ऑफ वुमेन इन लैटिन अमेरिका इनकी ज्यादातर स्टोरीज जो हैं वो इनके खुद के एक्सपीरियंसिस पर लिखी गई हैं और डील विद द रोल ऑफ वुमेन इन लैटिन अमेरिका और लैटिन अमेरिका के अंदर वुमेन्स का क्या रोल है ओके सो द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज ईजाबेल इजाबेल एलेंडे ओके

बिग बैंड्स की इन्होंने लीडरशिप की है कई सारे बड़े बड़े जो बैंड्स हैं उनके ये लीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं ही वॉज ए पार्ट ऑफ नाइन पीस फॉलोड द स्विंग स्टाइल इन म्यूजिक ये नाइन पीस बैंड एक बैंड का नाम है नाइन पीस बैंड उनके ये एक पार्ट रहे हैं जिन्होंने म्यूजिक के अंदर स्विंग स्टाइल को फॉलो किया है ओके सो द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज काउंट बेसी सी ओ यू एन टी काउंट बी ए एस आई ई काउंट बेसी ओके नेक्स्ट ए फेमस ऑस्ट्रियन बैलेरीना सी वॉज नॉन फॉर हर स्प्रिटेड डांसिंग एंड हर टेक्निक स्पेशली हर पॉइंट वर्क ये एक फेमस ऑस्ट्रियन बैले डांसर है ऑस्ट्रियन बैले डांसर है जो अपनी डांसिंग टेक्निक के लिए जानी जाती है सी इंट्रोड्यूस्ड थिएट्रिकलाइज फोक डांस इन बैले बैले की जो डांस फॉर्म है उसके अंदर इन्होंने थिएटर्स में फोक डांस को इंट्रोड्यूस किया था ओके सो द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज फैनी एल्सलर एफ ए डबल एन वाई फैनी ई एल डबल एस एल ई आर फैनी एल्स्लर नेक्स्ट ए चाइनीज बोर्न अमेरिकन आर्किटेक्ट ही इज नॉन फॉर हिज टेस्टफुल एंड वेल डिजाइंड अर्बन बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेस ये चाइनीज बोर्न अमेरिकन आर्किटेक्ट है इनका जन्म जो है वो चाइना में हुआ था लेकिन ये अमेरिकन आर्किटेक्ट है जो अपनी अर्बन बिल्डिंग्स और कॉम्प्लेक्सेस के डिजाइन के लिए काफी फेमस है ही इज फॉर द यूज ऑफ ज्योमेट्रिकल सेप्स इन हिज आर्किटेक्चरल अपने आर्किटेक्चरल वर्कस में इन्होंने ज्योमेट्रिकल सेब्स का काफी यूज किया है जिसके लिए इनको काफी जाना जाता है हिज मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड द जॉन हैंकॉक टावर इन बॉस्टन एंड द ग्लास पिरामिड एट द लोअर म्यूजियम इन पेरिस इनका जो सबसे फेमस वर्क है जिनके लिए इनको जाना जाता है वो है जॉन हैनकॉक टावर बॉस्टन अमेरिका के अंदर अमेरिका के अंदर बॉस्टन एक शहर है जहां पे जॉन हैनकॉक टावर है और एक ग्लास का पिरामिड है जो इन्होंने पैरिस के अंदर डिजाइन किया है लोअर म्यूजियम पैरिसके नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज आई एम पी कैपिटल आई एम आई एम पी आई पी ओके नेक्स्ट ही इज एन इंडियन क्लासिकल डांसर ए मास्टर ऑफ द कथक फॉर्म एंड ए लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ द कालका बिंदा दिन घराना ऑफ लखनऊ ये एक इंडियन क्लासिकल डांसर है कत्थक के मास्टर है ए मास्टर ऑफ कत्थक फॉर्म कत्थक जो डांस की कला है उनके एक मास्टर है एंड ए लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ द कालका बिंदा दिन घराना ऑफ लखनऊ और ये जो लखनऊ का रॉयल घराना है कालका बिंदा दिन उनके एक विख्यात आर्टिस्ट है नॉन फॉर हिज परफेक्ट रिजम एंड गैस्चर अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल थिंग्स ये अपने परफेक्ट रिदम और गेस्टर इशारों के लिए या हाव भाव के लिए जाने जाते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल थीम्स ट्रेडिशनल थीम्स के अलावा ही ऑल्सो यूज द डांस फॉर्म टू एक्सप्लोर वेरियस नॉन मिथोलॉजिकल एंड सोशल इशूज ये अपने डांस फॉर्म को कई सारी नॉन माइथोलॉजिकल और सोशल इश्यूज को एक्सप्लोर करने के लिए भी यूज करते हैं इज वेरी फेमस इन इंडिया द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज बिरजू महाराज बी आई आर जे यू बिरजू एम एच ए आर ए जे बिरजू महाराज ओके नेक्स्ट एन अमेरिकन सिंगर सॉन्ग राइटर एंड डांसर ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड इंफ्लुशियल एंटरटेनर इन द ट्वेंटी सेंचुरी पॉपुलर म्यूजिक ये एक अमेरिकन सिंगर है सॉन्ग राइटर है डांसर है और ट्वेंटी सेंचुरी के बीसवीं सदी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंफ्लुएंशियल एंटरटेनर है जिन्होंने लोगों को काफी एंटरटेन किया during the 1960s he was known as soul brother number One, and in the 1970s he became the godfather of soul 1960 का जो ए, एरा था उसके अंदर इनको सोल ब्रदर नंबर 1 के नाम से जाना जाता था एंड 1970s का एरा आते-आते इनको द गॉडफादर ऑफ सोल के नाम से जाना जाने लगा ओके ही वाज इंडक्टेड इनटू द रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम इन 1986 और जो रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम है इसके अंदर 1986 में इनको शामिल कर लिया गया

और इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट थे ट्वेंटी सेंचुरी के स्पेन से बिलोंग करते थे ओके ही अलोंग विद जॉर्ज ब्रेक क्रिएटेड क्यूबिज्म ए हाईली इंफ्लुएंस स्टाइल ऑफ विजुअलाइजेशन इन पेंटिंग इन्होंने जॉर्ज ब्रेक के साथ मिलकर एक पेंटिंग की स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया जिसको इन्होंने नाम दिया क्यूबिज्म ओके इट ऑन दैट फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस ऑफ द पिक्चर रिजेक्टिंग द ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ परस्पेक्टिव इन्होंने एम्फेसाइज इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फ्लैट टू डायमेंशनल सरफेस पर पिक्चर्स को बनाया जाए ना कि पारंपरिक तौर पर जो टेक्निक चली आ रही है उस पर ही वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज पेबलो पिकासो पी ए बी एल ओ पेब्लो पी आई सी ए डबल एस ओ पेब्लो पिकासो ओके नेक्स्ट कंसिडर्ड बाई मेनी टू बी द ग्रेटेस्ट प्ले राइट इन इंग्लिश दिस पॉइट एंड ड्रामेटिस्ट नॉन एज द बार्ड ऑफ एवन रॉट ए टोटल ऑफ थर्टी सेवन प्लेज इनको दुनिया के महानतम प्ले राइटर्स में से एक माना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज का एक बहुत ही अच्छे पोइट भी थे ड्रामेटिस्ट भी थे और इनको बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है इन्होंने टोटल थर्टी सेवन प्लेज जो हैं वो अपनी लाइफ में स्टेज शो और प्लेज जो है वो लिखे हैं ही इमेजिनेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज रिजल्ट न्यू वर्ड्स एंड सेंगे पीपल हैव यूज एवर सिंस इन्होंने अपनी इमेजिनेटिव जो लैंग्वेज थी जिनके अंदर ये पोइट्री लिखते थे उनमें से कई सारे वर्ड्स को और यानी कि जो कहावतें होती हैं मुहावरे होते हैं उनको लोग आज तक भी यूज करते हैं द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर ओके नेक्स्ट पॉपुलरली नोन एज द किंग ऑफ रॉक एंड रोल ही वॉज ए पॉपुलर अमेरिकन सिंगर एंड वन ऑफ द डोमिनेंट परफॉर्मर्स ऑफ रॉक म्यूजिक फ्रॉम द मिड नाइनटी डेथ इन ये किस नाम से पॉपुलर थे किंग ऑफ द रॉक एंड रोल किंग ऑफ रॉक एंड रोल के नाम से इनको जाना जाता था ये एक पॉपुलर अमेरिकन सिंगर थे एंड वन ऑफ द डोमिनेंट परफॉर्मर्स ऑफ रॉक म्यूजिक फ्रॉम द मिड नाइनटीन फिफ्टीजिल डेथ और 1950 मिड 1950 के अंदर ये एक रॉक म्यूजिक के डोमिनेंट परफॉर्मर थे अंटिल हिज डेथ जब तक इनकी मृत्यु नहीं हो गई नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज एलविस प्रिस्लि पी आर ई एस एल ईवाई एल्विस प्रिस्लि लास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट रिनोव कंपोजर इन द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न म्यूजिक वन ऑफ द मोस्ट रिनोव कंपोजर रिनोव प्रसिद्ध विशिष्ट ये वेस्टर्न म्यूजिक यानी पश्चिमी जो म्यूजिक संगीत है उनके एक महान कंपोजर एक प्रसिद्ध कंपोजर है

वायलिन इक्वली वेल इन्होंने कई सारी म्यूजिकल स्टाइल्स के अंदर कंपोज किया है और ये कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर सकते हैं जैसे कि द ऑर्गन द हार्प रिकॉर्ड द पियानो द वायलिन इन सबको ये बजा सकते थे इन सबको ये यूज कर सकते थे डॉन गियोवानी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट फेमस ओपेरा डॉन गियोवानी जो है इनको इनकी सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस माना जाता है ओपेरा में ओके सो द नेम ऑफ द आर्टिस्ट इज वुल्फ गैंग वुल्फ गैंग एमएडियस मोजार्ट डब्ल्यू ओ एल एफ वुल्फ जी ए एन जी वोल्फ गैंग ए एम ए एस एमएडियस मोजार्ट एम ओ जेड ए आर टी मोजार्ट ओके सो स्टूडेंट्स हेयर वी फिनिश पेज नंबर ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन चैप्टर नेम अमेजिंग आर्टिस्ट Read it very carefully and learn the important points from the chapter. Okay, bye bye, take care.